इस मंत्रालय में चैलेंजेस उतने ज्यादा नए भी होंगे। आपको लगता है स्वजल योजना में पैसे की बर्बादी बहुत हुई है? जल है तो कल है, क्या कल भाजपा है? क्यों मंत्रालय बदले जाते हैं, क्यों अधिकारी बदले जाते हैं? कई फैसले ऐसे देखे गए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे तीरथ सिंह रावत ने पलट दिए। आगे आने वाले चुनाव में चेहरा धामी जी होंगे, तो पार्टी तय करती है। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में एक और पार्टी आगे आ गई है, आम आदमी पार्टी। वो तो आम पार्टी का तो पहाड़ में कोई दोषी नहीं। कभी हरक सिंह रावत जी नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपकी कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आप जनता को बताना चाहते हो? धरना प्रदेश बनता जा रहा है वैसे हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आज हमारे साथ बिल्कुल खास मेहमान जल शक्ति मंत्रालय से पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल जी। बिशन सिंह चौपाल जी का बहुत बहुत स्वागत। और एकदम सीधी बात में हम आपसे बिल्कुल सीधी सीधी बात करेंगे। जी जी जी। तो सर, सबसे पहले आप पे जिम्मेदारी बड़ी लेट मिली और जिम्मेदारी बड़ी भी बहुत है, जगह जगह पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप थोड़ा सा बताएं, आपको कितना समझ में आया आपका मंत्रालय अभी? देखो, मंत्रालय जो है बिल्कुल बहुत बड़ा मंत्रालय है जी। इस बीच में घर घर तक हमने कनेक्शन देना है, वो कनेक्शन में भी पानी पहुंचाना है जी। ये जिम्मेदारी हमारी विभाग की है जी। इसमें जब से मैंने विभाग को संभाला जी, तब से हमने सबसे पहले तो जो पानी का डिस्चार्ज है जी, उसका मापन किया हमने जी। कि वो गर्मी में ही उसका मापन किया जाता है, 15 मई से 15 जून का समय है जी। उस बीच में हमने पानी का मापन किया। मापन करने के बाद जो पानी जहाँ पर लगा कि वास्तव में पानी 10 साल 15 साल तक इतना रहेगा जी, तो उस हिसाब से हमने योजना वहाँ पर चयनित की जी। सर्वे का काम पूरा हो गया जी। टेंडर का काम भी करीब करीब हमारे 60% टेंडर भी हमने आमंत्रित कर दिए जी। और उसमें निर्माण कार्य अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है जी। निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे जी उन कार्यों में, जिससे हम घर घर तक जो नल में पानी दे सकें, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक तो ये योजना है भारत सरकार के सहयोग से हम चला रहे। भारत सरकार ने हमारे लिए बहुत एक प्रकार से उत्तराखंड के लिए एक सरलीकरण किया, जो उसके नियम है, गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के हिसाब से कि एक परिवार पर 25,000 रुपया खर्च आएगा DPR में जी। तो उत्तराखंड की विषम भौगोलिक को देखते हुए यहाँ पर मकान बिल्कुल बिखरे हुए हैं जी, गांव सटे हुए नहीं है और स्रोत भी नहीं है जी ऊंचाई वाले। तो उसको पानी को वहाँ पहुँचाने के लिए हम पंपिंग के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम करें जी, जिससे उसकी लागत बढ़ जाती है। लागत यहाँ तक कि एक परिवार के लिए 1.5 लाख रुपया खर्च भी आ जाता है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा आ रहा है जी। तो भारत सरकार के सामने विषय रखा, तो भारत सरकार ने इसमें कहा कि बिल्कुल आप इसका जस्टिफिकेशन दीजिए, हम आप बना सकते हैं DPR। तो हमारी इस प्रकार से जो योजना नहीं बन पा रही थी जी, अब योजना भी जो गांव में हम हर गांव को हर परिवार को कितने भी लागत आएगी जी, उस तक हम पानी पहुंचाने का काम हमारा सबसे पहले प्राथमिकता है जी। ये मंत्रालय बिल्कुल नया रहा है, इस मंत्रालय में चैलेंजेस उतने ज़्यादा नए भी होंगे, नए नए चैलेंज है। पहले लोगों को बड़े दूर दूर तक पानी लेने जा रहा, स्रोत बड़े दूर हुआ करते थे गाँव में, हम भी पहाड़ी हैं तो स्रोतों के बारे में पता है कि बहुत दूर स्रोत होते थे, बहुत दूर तक उनको जाना पड़ता था। उतने चैलेंज रास्ते के भी हैं, पानी के भी हैं, पानी के स्रोतों के भी, पानी का अपने आप में प्योर होना भी एक कठिनाई है वहाँ पर। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया, पहाड़ों में जो स्रोत हैं जी, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज कम होता जा रहा है, कम हो रहा है बिल्कुल, और बारिश पर निर्भर वाले हैं जी। ये इसके लिए हमने क्या करता है, जो बरसात का पानी है जी, बरसात जल संग्रह भी मेरे पास है जी, जहाँ पर पानी के स्रोत हैं उससे लगे हुए जो आसपास के हमारे जंगल हैं जी, उस जंगल के आसपास से हम बरसाती जल संग्रह, जो हम पोखर भी कहते हैं जी, उनका निर्माण कर रहे हैं जी। क्योंकि ये बहुत पहाड़ के लिए वरदान साबित है जी, कि पहाड़ में जहाँ जहाँ हमने मनरेगा के अंतर्गत अन्य योजनाओं से जो बड़े बड़े जलाशय बना रखे हैं, बरसात का पानी हम उसमें चैनल के माध्यम से उसमें डालते हैं कच्चे गूल बना के, और उसमें 3-4 महीने तक पानी रहता है।
वो पानी रिचार्ज होता है तो आसपास के जो स्रोत हैं वो स्रोत भी रिचार्ज होते हैं जी। तो गर्मी में उनमें पानी कम होता है जी। क्योंकि ये आने वाले समय में पानी का संकट होगा, दिन जिस प्रकार से पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और स्रोत में पानी कम होता जा रहा है, स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी योजना पहले भी आई थी एक बस पेयजल स्वजल योजना जी जी, और वो हैंडपम्प जगह जगह आपको गाँव में दिखाई पड़ते होंगे, आज भी सूखे पड़े हैं क्योंकि पानी का धीरे धीरे डिस्चार्ज कम होता जा बिल्कुल कम हुआ है। अब उसके लिए हैंडपम्पों को भी तो जब पानी डिस्चार्ज होगा तभी तो पानी मिलेगा। वो योजना बिना प्लानिंग के थी, प्लानिंग की वो योजना जहाँ पर हैंडपम्प लगा उसके आसपास हम रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं जी। क्योंकि ऐसी जगह पर उन्होंने हैंडपम्प लगा रखे हैं बिल्कुल, कि जो पानी बरसात का पानी सीधे नीचे को चले जाता है जी, रुकता कहीं नहीं है जी। तो बरसात का पानी रुकने का होना चाहिए कहीं कहीं, यदि बरसात का पानी ऐसी जगह पर रुकेगा निश्चित रूप से हैंडपम्प भी हमारे साल भर चलेंगे। तो हैंडपम्प जो स्वजल लेकर आपने बताया, स्वजल भी एक कार्यदायी संस्था थी जी। उन्होंने भी स्वजल जैसे जल निगम है, जल संस्थान है वैसे जल, ये आपका योजना थी जी। ये योजना भी स्वजल योजना भी, ये भी कार्यदायी संस्था के रूप में इसने काम किया जी। स्वजल में आपको लगता है स्वजल योजना में पैसे की बर्बादी बहुत हुई है, उसमें सरकार का पैसा बेइंतहा उसमें बर्बाद किया गया। स्वजल योजना, अब स्वजल के पास हमारे पास कोई योजना नहीं है जी। स्वजल में कर्मचारी सीमित है उनके पास जी। अब उनको हमने जो भी काम है स्वच्छता की ओर उनको दे रखा है कि स्वच्छता का काम वो कर रहे हैं, पेयजल का काम वो नहीं कर रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपको जिम्मेदारी बड़ी लेट मिली, सरकारों में बदलाव के कारण या किस कारण आपको इतनी लेट मिली और अब आपको चैलेंज आपके पास 6 महीने मात्र है। 2 साल पहले योजना बनी जी, स्वीकृत हुई जी। 2 साल से लेकर मैंने जब मंत्रालय संभाला जी, 2 साल तक भारत सरकार के साथ कोई बैठक नहीं हुई, एक तो कारण ये रहा जी क्योंकि 5 करोड़ से जितने की ऊपर की योजना हुई भारत सरकार के साथ जो बैठक होगी वही अनुमोदित होती है। तो 5 करोड़ से ऊपर वाली योजना नहीं हुई हमने वो कुछ भी नहीं, तो 70 योजना हमने स्वीकृत करा दी, जो 50 करोड़ की भी है, 70 करोड़ की भी योजना है, 20 करोड़ की भी है, 50 ये योजना हमने स्वीकृत करा है। उसके DPR भी बन गए थे, उसके जियो भी हो गया, उनके टेंडर आमंत्रित 200 करोड़ के तो हमने एक ही साथ भारत सरकार के साथ कराए जी। फिर 169 करोड़ की हमने एक और कराई। इस प्रकार भारत सरकार के साथ जो हमारी मीटिंग हो रही है अभी 24 को है जी, उसमें भी हम बहुत सारी योजनाओं को स्वीकृत कराएंगे जी। तो इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है जी, उनने कहा जितना भी पैसा आप खर्च करना चाहें आप खर्च करिए, हमारे पास थोड़ा सा कमी रही स्टाफ की जेई की, हम जल्दी से हमारे जो लोक सेवा आयोग से भी जो जेई आने थे जी, वो जेई की भी हमारी जल्दी से उनकी नियुक्तियाँ पूरी हो जाएगी जी, अभी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड चयन आयोग से जी, तो उससे भी हमारे जेई मिल जा रहे हैं, कुछ हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत जेई रख रहे हैं, जो हमारे काम में थोड़ा सा प्रगति आ रही थी अब जल्दी से जल्दी 2-3 महीने के अंतर्गत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, रात दिन काम कर रहे हैं विभाग वाले। मैं विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं सचिव से लेकर नीचे स्तर का जो अधिकारी है सब ने काम किया, जिलाधिकारी ने काम किया, तब ये जो मैं कह रहा हूँ कि 1500 करोड़ रुपए के हमने 2 महीने के अंतर्गत टेंडर लगा दिए जी, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ टेंडर लग गए तो काम निर्माण कार्य भी हुआ, पानी भी आएगा जी। तो इनकी स्टार्टिंग डेट अब फाइनल हो चुकी है जी जी, कब से शुरू होंगे ये? बस आपका ये 1 महीने के अंदर से शुरू हो जाएगा, 1 महीने शुरू हो जाएगा जी। कहते हैं जल है तो कल है जी, क्या कल भाजपा है? निश्चित रूप से आने वाला समय कल का ही भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पिछले 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, आपको नहीं लगता कि भाजपा की ताजपोशी में ही पूरे लगे रहे, जनता की कहीं बात ही नहीं हुई? 2 साल आपने कहा कोरोना में निकल गए जिसमें हम टेंडर नहीं कर पाए, और उसमें 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, आपको भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा, जवाब देना है आपको भी। नहीं नहीं, ये ठीक है, हमारा जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का था जी, चाहे पहला हो दूसरा तीसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर ही उन्होंने निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। विचारधारा को अगर निर्माण होता है
क्यों मंत्रालय बदले जाते हैं, क्यों अधिकारी बदले जाते हैं? नहीं, नहीं। जो अधिकारी उस योजना में शामिल होते हैं वो अधिकारी का तो ये होता है कि कोई अधिकारी दो साल से रखा तीन साल को तो बदलना टेबल बदलना चाहिए लंबे समय। फिर उपयोगिता किस अधिकारी के कहाँ पर होता है, अलग अलग मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका थोड़ा सा बस उस तरीके में कहीं ना कहीं जनता तो पिसती है ना। नहीं जनता को कुछ नहीं, इस तो जनता इससे कोई नहीं, मुख्यमंत्री बदलने से जनता को कोई परेशानी नहीं हुई, निर्माण कार्य में हमारी कहीं धीमी गति नहीं आई। ये कई फैसले ऐसे देखे गए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे तीरथ सिंह रावत ने पलट दिए, अब दोबारा कुछ चेंज हो रहा है। नहीं नहीं कोई हो सकता है एक आध दो योजना का हुआ होगा जी, लेकिन अक्सर योजना उन्हीं योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है हमारे, ऐसा कहीं भी नहीं है जी। हो सकता है एक आध अपवाद होगा कहीं जी, जहाँ पर जनता का विरोध है, जनता उसमें सहमत नहीं है, तो उसी को उन्होंने चेंज किया होगा जी। ये तो आगे आगे आने वाले चुनाव में चेहरा धामी जी होंगे या फिर दोबारा कोई नया चेहरा आगे सामने आएंगे? देखो इसमें मुख्यमंत्री हमारे धामी जी, जी तो धामी जी इसमें हमारे चेहरे हैं जी। फिर ये तय तो मैं कौन होता करने वाला, तय तो पार्टी तय करती है। आपके विचार आप सब लोगों के विचार दिया, मेरे विचार तो ये है जो मुख्यमंत्री उसमें होना करना चाहिए जी। लेकिन असली तो फाइनल तो अंतर्गत पार्टी के नहीं करना है। आप आपकी पार्टी को आपकी पार्टी में इतने बदलाव के कारण जो कांग्रेस को बल मिला है, हरीश रावत जी एक बहुत मतलब एक तरह से अहम चेहरा है उनका, उनको बल मिल गया इससे। हरीश रावत जी 2012 में भी 2017 में भी हरीश रावत जी थे जी, तो हरीश रावत जी का 2017 में चेहरा उन्हीं के चेहरे में चुनाव लड़ा गया जी। उसको चुनाव लड़ते थे जनता ने देख लिया कि जनता ने स्वीकार नहीं किया उनके काम की शैली, तो हरीश रावत जी तो केवल एक प्रकार से उनका जो राजनीतिक जीवन है वो देख रखा हमने, वो मेरे क्षेत्र से लोकसभा 3 बार चुनाव लड़े और 4 बार चुनाव हार भी गए थे, तो उनका काम कैसा है क्या है वो सब जनता समझती है जी, कितना काम करते हैं। तो इसी तो इसी नया चेहरा नहीं है। इन्हीं कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में एक और पार्टी आगे आ गई है, आम आदमी पार्टी, जो कल रैली भी खूब करी है उन्होंने यहाँ पर। वो तो आम पार्टी का तो पहाड़ में कोई भविष्य नहीं है जी। आम पार्टी का जो प्रदेश की पहले उनको ये पता होना चाहिए प्रत्येक इसकी जो आर्थिक स्थिति क्या है वो उनको जानकारी नहीं है। तभी तो उन्होंने एक लोकल चेहरा सामने उतारा है कि भाई हम नहीं है ये है हमारे सामने लोकल, हम भी तो लोकल ही है यहाँ। हरीश रावत लोकल ही थे, तिरन जी तिरुवत जी ये सब लोकल ही है, पुष्कर धामी लोकल ही है जी। अब वो कहाँ से लोकल आ गया, हम तो सब लोकल ही है। कोठियाल जी भी लोकल है, वो भी लोकल है जी। तो राजनीतिक चलाने के लिए अनुभव चाहिए जी, अनुभव की तो ये बात से देश नहीं चलता है, सरकारें नहीं चलती है जी, तो अनुभव ही पार्टी को आगे ले जाता है, प्रदेश को आगे ले जाता है। लोकप्रियता काफी है उनकी, लोकप्रियता अभी हो सकता है इन्हें तो राजनीति में कहीं उन्हें कदम रखे हैं तो कहाँ से लोकप्रियता बढ़ गई। नहीं उनके पर्सनल काम अभी तो ठीक है, नए नए चेहरे हैं तो 2-4 दिन थोड़ा सा मीडिया में भी आएगा, दो कर स्वाभाविक है तो धरातल पर पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट तो बाद में ही पता लगेगा। आपकी पार्टी में नए चेहरे आने वाले इसमें पार्टी का टिकट किसको देना है क्या पार्टी है, ये टिकट किसका क्या करना है ये तो अफवाह है जी। टिकट काटने में जो कम है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक अपना काम कर रहे हैं जी, अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता किसी का टिकट कटेगा। कोई ऐसी बात है कहीं अस्वस्थ होगा कोई के कारण हो तो तभी तो टिकट कटेगा जी, नहीं तो टिकट करने का तो दूर दूर तो कोई सवाल ही नहीं उठता किसी का। अच्छा नाराजगियां आपकी पार्टी में चलती रहती है, पार्टी के अंदर तो स्वाभाविक बात जहां बड़ी पार्टी हो गए तो मनमुटाव होगा। कभी हरक सिंह रावत जी नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी सतपाल महाराज जी का चेहरा ऊपर आता है तो वो दादाजी, ये दादाजी कोई चुनाव से पार्टी से नहीं है जी, हो सकता है व्यक्तिगत उनके कोई एक विभाग से संबंधित होंगे उसकी नाराजगी हो सकती है, मेरी नाराजगी तो व्यक्तिगत किसी भी अपने विभाग से संबंधित अधिकारी से हो सकती है, पार्टी से तो मेरी नाराजगी नहीं है जी। उनकी भी पार्टी से थोड़ी नाराजगी है, सरकार से थोड़ी नाराजगी है, हमें न सरकार से नाराजगी है न पार्टी से नाराजगी जी। तो नाराजगी आपस में चलती है वो इसके कारण भी काफी दिक्कतों का सामना तो होता ही है, हो रही है उसमें विकास तो नाराजगी तो कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया कुछ दे दिया वहीं तक तो सीमित, उसके बाद तो समाधान हो जाना जी। आप इतने वरिष्ठ मंत्री रहे हो, इसमें आपकी कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आप जनता को बताना चाहते हो? देखो हमारी जो उपलब्धि है
जनता को स्वरोजगार जी स्वरोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता है कि रोजगार, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति आप देखोगे तो जिस हिसाब से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को हम स्वरोजगार को बढ़ावा नहीं देंगे तो प्रदेश हमारा दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जी हमको स्वरोजगार अपनाना पड़ेगा, पहाड़ में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आने वाला समय जनता हमको ये सोचेगी रोजगार नहीं मिलेगा तो जनता कहाँ जाएगी फिर जी, उसको रोजगार चाहिए। तो स्वरोजगार के माध्यम से आदमी के देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, उसको रोजगार मिलेगा। क्या स्वरोजगार योजना में आप दो तीन मेरे को बताएं कौन सी स्वरोजगार योजना? स्वरोजगार पहाड़ की बात बताऊँ जी, पहाड़ में लोगों ने कृषि करना बंद कर दिया जंगली जानवर से जी, पहाड़ में लोग जड़ी बूटी की खेती कर रहे हैं जी, जड़ी बूटी की खेती से जो काम कर रहे हैं उससे लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं जी। जड़ी आप लगाइए, हम पहाड़ में हमारे पास अदरक है, मिर्च है, आप जो जंगली जानवर कुछ नहीं कहा, हल्दी है, कुटकी है, सालम पंजा जैसी चीज़ें हैं, तेजपात जैसी चीज़ें हैं, आपका बन हल्दी जैसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो जड़ी बूटी की खेती है जिसकी कीमत पहाड़ में आप लगाइए अन्य देशों में बहुत ज़्यादा है जी। तो पहाड़ में तो हमारे पास इतना है कि पूरा पहाड़ जो है आयुर्वेदिक है, पूरी सारी जड़ी बूटियाँ, फिर भी खाली हो रहा है। फिर भी अब धीरे धीरे लोग उसको और बढ़ रहे हैं, जो आज से 50-60 साल पहले हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ इससे सारा अपना चलाते थे बदे जी, अब उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं हम जी। हमको कितने कितने कुछ अपने बताता हूँ कि हमने जहाँ भी जाए अपनी योजना के माध्यम से जी, हमने कुछ भी नहीं तो स्वरोजगार के माध्यम से 25% लोगों को काम दिला रखा है इसमें शुरुआत जी, 25% से ज्यादा ही जो होंगे हो गया, बढ़ता जा रहा है। जब से लॉकडाउन का पीरियड हुआ तब तक संख्या हमारी 30 तक बढ़ गई है जी। आदमी गांव में आज हो गया जड़ी बूटी खेती के अलावा आदमी ने कह रहे डेयरी का उत्पादन करते हैं, हम बाहर से डेयरी वो दूध मंगाते थे लाल कुआं से पिथौरागढ़ जनपद, अब हम बाहर भेज रहे हैं, हम पीलीभीत से बकरियां लाते थे वो, अब बकरियां हम बाहर भेज रहे हैं, हमारे पास बकरी का उत्पादन हमारे कर रहे हैं, मुर्गी का हमारे पालन डेयरी मुर्गियां का हम पहले सारे बाहर से लाते थे, अब मुर्गियां जितने भी हमारे पहाड़ में जितने हैं आर्मी है ITB SHB उन सबको जो मुर्गी हमारे यहाँ लोग उत्पादन मुर्गी बढ़ा सबको वहाँ तक पहुँचाने का। पलायन की एक सच्चाई मैं आपको बता दूँ, पलायन में जब पलायन होकर जब लोग दिल्ली गए और कोरोना काल में जब वापस आए, वापस आने के बाद उन लोगों की जेब में थोड़े बहुत पूंजी थी, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, उनकी जेब में पूंजी थी। तो पहाड़ियों में थोड़ा सा एक कमी है जो कि शराब और वो सब बहुत ज़्यादा है, तो शुरू में तो उन्होंने खूब अच्छा खाना खाया, सब कुछ खाया, मुर्गियाँ भी खूब खरीदी, बकरियाँ भी खूब खरीदी है सब। आज उन मुर्गियों के लिए दाना भी नहीं है उनके पास, और उनके लिए हरा घास भी नहीं है उन बकरियों के लिए, और वो लोग आज वापस, मैंने ये खुद अपना किया है, एक इंटरव्यू किया है मैंने गाँव का पूरा किया है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि उन लोगों के पास इंस्टेंट मनी, उनको जब तक उनके दिमाग से ये नहीं निकलेगा कि इंस्टेंट मनी नहीं मिल सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी योजनाएं किस तरह से आपके साथ काम करेंगी, तब तक हम जो भी बात करें उनके लिए सब सर के ऊपर से। ये हो सकता है कोई होगा ऐसा नहीं है, अधिकांश लोग जो है जी सरकार की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे, उठा रहे हैं अभी इस समय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार हमारी जो समूह है, समूह को हम 5 लाख तक का बिना ब्याज का पैसा दे रहे हैं जी। जो लोग बाहर से आए, मैंने अपने क्षेत्र में मैंने कहा भाई तुम आ गए जहाँ पर कोई रेस्टोरेंट खुला अच्छा करो चला रहे हैं, होटल भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी, होम स्टे भी उनके पास है जो पर्यटन के क्षेत्र में जिनने काम किया जी। जिन लोगों ने पर्यटन क्षेत्र में काम नहीं किया वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम उनको 3 लाख तक का उनके परिवार वालों को बिना ब्याज का कर्ज दे रहे हैं 3 लाख, उसमें 1 ही लाख भी ले रहे हैं तो 1 लाख में वो 25 ही बकरी ले रहे हैं, 6 महीने में दुनी हो जा रही है, 50 साल भर में 100 हो जा रही है, गाय 2 ही गाय ले रहे हैं 1 लाख में, 2 गाय का दूध बाजार में लगा रहे हैं वो, 2 का 1 साल में पैसा पूरा करके दूसरी उसके बाद 4 गाय, हम क्यों नहीं, आदमी उस ओर बढ़ रहा है, ये नहीं कि मैं दिखाई दे रहा है, मैंने धरातल पर जमीन में काम करके है, लोगों ने काम करके खुद, मैं अपने घर में मैंने दिखाने के लिए मैं गाँव में जाता था, गाँव के लोग हालत देते सब लोग प्लान की ओर, हमने कहा आप इसको करिए जड़ी बूटी का काम, मैंने कहा मैं खरीदूंगा, मैंने खरीदना शुरू किया,
उनको उच्ची आज धीरे मुनि से खरीद के ऑर्गेनिक के नाम से हमें अपने मसाले का काम कर रहे हैं, घर में कर रहा हूँ, अपने घर में लोग आते हैं देखते हैं, हमने 20-25 आदमी को रोजगार दिला रखा है, उसको देखा देखी लोग क्या कर रहे हैं, दिन के मेरे पास 10 आदमी आए मिलने, 50 आए, 100 आए, वो देखते हैं, उसको देखते हैं उनको प्रेरणा मिल रही है प्लान की ओर। आवाज देखिए हमारे क्षेत्र में पिथौरागढ़ जनपद में ऐसे स्वावलंबन गाँव हो गए हैं मछली का, आप देखो आप मत्स्य में पालन में हर क्षेत्र में फूलों का आप खेती करो। इस बार बेचारा लॉकडाउन से दिल्ली नहीं जा पाए, पहाड़ की तो तस्वीर बदल रही है इसमें काम करने वाला, जो यहाँ की जवानी है, जो यहाँ के दिमाग है, विजन है यहाँ के नौजवानों का, और यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी अपने लोगों के काम नहीं आया, सो जो दिमाग है दिमाग से काम कर रहा है जी। अभी पहले नहीं था, मैं बता रहा हूँ, मैं भी खुद उसमें देखा मैंने, इस बीच में जो कोरोना के माह से उसमें बहुत लोगों को इसमें काम करने का अनुभव जो वहाँ का था वो अनुभव हमको मिल रहा है, पहाड़ को उस अनुभव का फायदा मिल रहा है प्रदेश को, उसे स्वरोजगार की ओर आदमी, एक आदमी 5 आदमी को रोजगार दिला रहा है, कितना बढ़िया हुआ। मैंने भी तो अपनाया था ना, आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 40 साल पहले नौकरी मिल जाती थी जी, एमए बीएड वाले को बाएं हाथ पे मिलती जी, मैंने स्वरोजगार अपनाया, ही जड़ी बूटी से काम जी, मैंने पहचान बनाई, पहचान हो गया गाँव वाले ने कहा तू प्रधान बन जा, ब्लॉक में गया तो उन्होंने कहा अच्छा लड़का है इसको ब्लॉक रूम बनाओ, पार्टी वालों ने कहा अपनी ओर खींचा, उसने कहा इधर आओ, उसने आओ, मैं पार्टी विचारधारा से सब गया, मैं जिस पार्टी से विचारधारा से था वहीं जुड़ा रहा, मैं स्वरोजगार मेरे दिमाग में यही तो लोग कहते थे मेरे से आज से अगले आए, यार ये किसी सदी की बात विपक्षी बोलता था, ये बिशन सिंह क्या बोल रहा है, स्वरोजगार जड़ी बूटी स्वरोजगार कहाँ है, ये किसी सदी की बात नहीं कर रहा है, ये मेरे को विरोधी बोलते थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि ये बिशन सिंह 10 साल 5 साल पहले जो अपना रहा है किसी और आज घूम के आ रहे हैं, हमने दिखा के करके हमने दिखा रखा अपने क्षेत्र में, कोई कह रहे कहीं भी आज यहाँ से पूरे जाए चमोली से उत्तरकाशी से लोग DD8 विधानसभा में जाते हैं वहाँ प्रशिक्षण के लिए सीखने के लिए, मत्स्य के वहाँ मत्स्य तालाब बने हैं उसको सीखने, NGO जाते हैं, प्रधान का संगठन जाते हैं, ग्राम विकास अधिक मुझसे जाते हैं, मुर्गी बाड़े को वहाँ देते हैं, वहाँ पर सब्जी का खेती को वहाँ पर मशरूम की, हमने हर क्षेत्र में काम करा, हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ गया जिस क्षेत्र में हमने काम नहीं करके ग्रामीण क्षेत्र में जी। आप आइए कभी मैं उदाहरण देगा, एक गांव हमारा बहुत बड़ा गांव है, 1000 से ज्यादा जो जनसंख्या है वहाँ सीखने भटिया दिया है, जहाँ कुछ भी नहीं 150 मुर्गी बाड़े हैं 150, और ये कि 300 मछली के तालाब आपका एक डूंगरी गाँव है जी। ऐसे एक तालाब के बाद एक ऐसे 150 से ऊपर तालाब है मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने पलायन के ऊपर पूछा, और मैंने पूछा उनसे कि पलायन आप रोक क्यों नहीं पाए, आपके पास तो बड़ा अच्छा मौका था, तो उन्होंने अपनी असफलता जाहिर कर दी कि क्या करें नहीं रोक पाए, तो एज अ मुख्यमंत्री वो सक्सेसफुल नहीं थे या एज अ पर्सन सक्सेसफुल नहीं थे वो? भाई आज भी नहीं, काम करने की सोच होनी चाहिए जी, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्या नहीं है आज हमारे पास जी। सब कुछ है पहाड़ में, हमको जाने की, जो आप पहाड़ के जंगलों में जाए पहाड़ में जाइए आपको हर चीज की मर्जी की दवा मिलेगी, कोई चीज नहीं, हर चीज को रोजगार मिलेगा, पहाड़ तो ऐसा है, आप तो पहाड़ जो कहते हैं भाई पहाड़ की बात जो खाली नहीं है, संजीवनी बूटी जिस पहाड़ के नाम से जाना जाता है, जो ये कीड़ा घास के पहाड़ के नाम से जाना जाता है, ये ऐसी चीजों का शोध कहीं ना, हमारे जो वैज्ञानिक है बॉटनिकल वो शोध नहीं कर पाए, शोध करना चाहिए, ये सारा जो है नंबर दो का माल जो नेपाल के माध्यम से चाइना के माध्यम से जो बॉर्डर के हम जानते हैं बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, बॉर्डर में कितना तस्करी होती है, ये चीजें तो होती थी, उसको रोकने के लिए ऐसे भी रोक, तो एज अ मुख्यमंत्री रोक नहीं पाए, अब रोक तो अभी भी रोक कैसे, रात को जा रहा है कोई नदी पार करके हम कैसे रोक पाएंगे, ऐसे ये तो हमारी जिम्मेदारी है, नदी है जरूरी होगी जी, अब रोक रहे हैं बहुत रोक रहे हैं, जगह जगह SHB है ITB भी है रोक रहे हैं जी, अब इक्का दुक्का कोई जाता तो वो बात है नहीं, अब तो बिल्कुल रोकना जो था ये सारा रूट टनकपुर से लेकर काला मुनि तक में हमारा पड़ता है, जैसे मैं अपनी संपादित आने वाले समय में आप लोगों को चुनाव में आने में अभी कुल 6 महीने रह गए, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, हमने तो 4 साल तक काम करके ना सर, 4 वो है हमारे पास, नहीं वो है उसमें 3 मुख्यमंत्री बदले हुए भी है, मुख्यमंत्री नहीं तो हमारा पार्टी का अंदर का मामला है ना जी, पार्टी मेरी जरूरत, पार्टी हमारी जनता की है, जरूरत पड़ी आज तो मेरे को मंत्री बना दिया जी जी, अब त्रिवेंद्र रावत जी की जरूरत होगी दूसरा संगठन काम में उनको दे दिया जी, जिसकी जहाँ जरूरत होती है तो वो हमारे पार्टी का है भाई, पार्टी ऐसी तो चलती है जहाँ पर जरूरत होगी, मेरे को कहेंगे कल बिशन सिंह मैं वो था पहले मंत्री था, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत थी तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया जी जी, मंत्री पद छोड़ के जी, यही सबका होता है, तो जहाँ जरूरत पार्टी का काम, ये पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है जी, जहाँ जिसकी जरूरत होती है बस ऐसा कुछ नहीं, तो नए मुख्यमंत्री से आपकी ट्यूनिंग कैसी है,
मेरी सब पार्टीज है ना, मेरी ट्यूनिंग कहीं खराब नहीं थी, किसी से खराब नहीं, मैं पार्टी का सिपाही, मैं 43 साल का राजनीतिक पार्टी बीजेपी का अनुभव है मुझे, अपनी पार्टी का, मैं किसी से ट्यूनिंग खराब किसी से नहीं, मैंने तो चाहता है कि मैं जो चाहूँगी मेरी पार्टी 2022 में सरकार बनेगी, मैं ये सोचता हूँ, यदि मैं ट्यूनिंग मेरी कहीं बिगड़ जाएगी तो सरकार कहाँ से। अच्छा, सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, जब इसमें एक चीज़ देखे जाए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिल्ली में बैठे हुए लोगों को उतना नहीं है, तो आप लोग उनको समझाते नहीं हो कि साहब ये चेंज अभी ज़रूरी नहीं है? नहीं, ये चीज़ें जो होती हैं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में छन्नी लगती है जी, एक दो तीन, तीन चार छन्नी लगती है, अब छन्नी लगते 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 लास्ट छन्नी में जो रहेगा वही तो आएगा जी, पहले वाले मोटी छन्नी लगी तो निकलता आ गया दूसरा जी, जी। तो ये छन्नी लगती है, यहाँ तो भाई छन्नी के हिसाब से, छन्नी में जूनियर के आगे सीनियर्स को भी बैठना पड़ता है, सीनियर का कोई सवाल नहीं जी, ये जूनियर सीनियर का तो चार से पांच बारी के विधायक और एक धामी जी दो बार, मुझे तो पार्टी ने टिकट दिया ना जी, मैं अपने को तो मेरी को छन्नी में आपका नंबर अभी नहीं आया, अध्यक्ष बन गया जी, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष में बन गया, मंत्री बन गया, मुझे तो क्या भाई, मैं ही हूँ सब कुछ, नहीं नहीं आप सब कुछ, मतलब छन्नी की बात करें तो और का नंबर कब आएगा, नहीं नहीं सबका नंबर आना चाहिए, जिस तरह से आपकी सरकार में तीन चार मुख्यमंत्री के तौर पे आ ही जाएगा जी जी। तो सर आपके साथ बड़ा अच्छा लगा बात करके, आपने अपनी योजनाओं के आगे भी हम आपसे आपकी योजनाओं को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आपको अभी कम समय हुआ है, अगले एक दो महीने में हम आपको फिर से दोबारा से याद करेंगे, बहुत है ना जी, तो चैनल के माध्यम से हमें अच्छा लगा कि जनता में मैसेज जाएगा, बहुत बढ़िया, यही तो आप लोग जो जितने हम है ना वही इतनी भी आपकी भी जिम्मेदारी है जी भाई, प्रदेश का कल के दिन हम भी चाहते हैं, मैंने आप एक बीच में एक विषय रखा आपके सामने कि प्रदेश की आज जो स्थिति देख रहे हैं हम, इस स्थिति को ठीक करने का काम हमारा है जी, यदि हम ठीक नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी जी, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप देखें कि जहाँ पर हमारा लोग ये लगाइए कि बजट कितना हमारा 58,000 करोड़ है जी, आपका 45,000 करोड़ तो वेतन में जा रहे हैं, पेंशन में जा रहे हैं, बचा क्या जी, क्या बचा, उससे क्या काम होगा, धरना प्रदेश बनता जा रहा है वैसे हमारा, नहीं ये बताओ क्या बचे, काम है अब हम उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या है स्वरोजगार मैं क्यों करा है, पर जहां रोजगार की बात होती है वहां तनखाएं भी टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, टैक्स से जितना वही आना है जी, आपका रिश्ते जो आना वही है, आपका फॉरेस्ट जो आना ही है, ये जो आना है वो इतना से बढ़ना है, उसको बढ़ाने के लिए स्वरोजगारी तो है आत्म। अच्छा मैं चलते चलते एक सवाल मैं बीच में और जोड़ना चाहूंगा आपसे, मैं वैसे क्लोजअप कर चुका था फिर भी, शराब उत्तराखंड के अंदर शराब बहुत अंदर तक घुस चुकी है, नशा जो है बहुत ज्यादा है, शादियों में सबसे पहले एक कार्यक्रम हुआ करता था महिला संगीत, आज महिला संगीत छोड़ के उसका नाम कॉकटेल न्यूतेर ये शब्द हो गए हैं, कितना जरूरी है और क्यों इसको हटाना नहीं चाहिए, ये सारा हम जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जी, ये देव भूमि के लिए ठीक नहीं है, इस पर धीरे धीरे इस पर भी हम चाह रहे हैं कि भाई शराब का जो है प्रचलन कम होना चाहिए, क्योंकि आप सरकार हो आप कम नहीं बंद करना चाहिए आपको, नहीं बंद करके एकदम सरकार के राजस्व को भी देखना पड़ेगा कि चलाना है, शादियों में अगर आप राजस्व की बात ना करें 1500 रुपए का एक लाइसेंस, आप 1500 या 2000 रुपए का एक लाइसेंस देते हैं आप, एक वन नाइट प्रतिबंध लगाना पड़ेगा आपको इन चीजों में थोड़ा सा, जो महिलाएं भाड़ों की महिलाएं जो है बहुत परेशान है इस चीज से, आंदोलन भी बहुत आपने देखे होंगे, नहीं शराब के हम तो बिल्कुल विरोधी है, आज भी करें इसमें कोई जो चीजें एकदम हमको करने के स्थिति में नहीं आ प्रदेश जी, उसको कुछ चीजों में प्रतिबंध लगाना, जैसे कार्यक्रम आपने बताए जी, इन चीजों में प्रतिबंध लगा के धीरे धीरे इसे मैसेज जाएगा, ये संदेश जाएगा जी, और चीजों में जिसके पास आया जो ठीक है पीने वाला जो पिएगा, जो बाहर पर्यटक आ रहा है दूसरा आ रहा है वो पी रहा है जी, हमें कोई नहीं समझ, जो ये कार्यक्रम है ये हमारे कार्यक्रम है, जिन कार्यक्रमों में बिल्कुल पहले स्वागत होता था पूरी पकती थी, अब आपके आप बारात में कोई जाए ना जाए न्यूतेर में जरूर जाता है, ये दूसरे दिन बारात में अगर 200 आदमी हुआ करते थे तो न्यूतेर में 500 हैं, तो ये योजनाएं को कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ लगाना चाहिए, पहाड़ में ये गलत हो रहा है, इसको गलत है बहुत गलत है, आप लोगों को कुछ लगाना चाहिए, इसको आपको कैबिनेट भी उठाना चाहिए इस मुद्दे को, उठाना क्या इस पर धीरे धीरे करेंगे हम, इस पर भी कर रहे हैं इस पर सरकार जी एकदम नहीं, धीरे धीरे इसका इसके राजस्व कैसे बढ़े इसके बदले ये सोच रहे हैं, हाँ इसके बदले राजस्व बढ़ाने की और योजनाएं बहुत हो सकती हैं, वही तो आपके आपके पास सोलर योजना थी है ना, बहुत सारी योजनाएं वो भी अभी तक पूरी धरातल पे नहीं उतरी है, ये भी कुछ अब बढ़ रहा है जो धीरे सोलर वाला काम भी शुरू हो रहा है स्वरोजगार की ओर, ये भी बढ़ रहा है जी, पलायन रुक रहा है, पलायन की योजना मैंने कह दी ना, स्वरोजगार के अलावा कुछ नहीं है जी,
बस अब पहाड़ में हमारी सड़क पहुंच गई, अच्छे विद्यालय खुल गए, अटल अवकृत विद्यालय हमारे यहाँ पर, अस्पतालों में डॉक्टर आ गए। तो पलायन का तो पहले स्वास्थ्य के उससे जाता था, शिक्षा के उससे जाता था, रोजगार के उससे जाता, स्वरोजगार हमारे पास गया जी, शिक्षा हमारी ठीक मिलने लगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहाड़ में भी डॉक्टर पहुँचने लगे, तो फिर क्या है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। और आप इन सब चीजों को आप धरातल पे उतारे हैं, जितनी भी आपने बातें बोली हैं। मैं धरातल की बात ही कर रहा हूँ जी, जी। धरातल में आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए हमें आपको ज्यादा छेड़ने में और ज्यादा मजा आया जी जी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ चौपाल जी, अगली बारी कोई और नए मंत्री होंगे इन्हीं पॉइंट पे हम उठाते रहेंगे मुद्दा सीधी बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंत्रालय में चैलेंजेस उतने ज्यादा नए भी होंगे। आपको लगता है स्वजल योजना में पैसे की बर्बादी बहुत हुई है? जल है तो कल है, क्या कल भाजपा है? क्यों मंत्रालय बदले जाते हैं, क्यों अधिकारी बदले जाते हैं? कई फैसले ऐसे देखे गए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे तीरथ सिंह रावत ने पलट दिए। आगे आने वाले चुनाव में चेहरा धामी जी होंगे, तो पार्टी तय करती है। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में एक और पार्टी आगे आ गई है, आम आदमी पार्टी। वो तो आम पार्टी का तो पहाड़ में कोई दोष नहीं। कभी हरक सिंह रावत जी नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपकी कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आप जनता को बताना चाहते हो? धरना प्रदेश बनता जा रहा है वैसे हमारा।